राम राम जी। मैं पलक थे देख रहे हो न्यूज दोरारी। आज आप पूछा झुंझुनू क्षेत्र के मिला की डानी और बेड़ा की डानी के संयुक्त जो शमशान है बीजा आज आप पूछा इजा पेड़ वगैरह लगाया है और एक मंदिर भी बनाए डो थे देख सको इजा खूब सारा पेड़ लगाए है। राम राम जी। हाँ राम राम जी। के नाम है थारो? मेरा नाम है विजयपाल सिंह। और गाँव कौन सो है थारो? गाँव मिला डानी। तो थोड़ो पहला तो दर्शकन थे परिचय करा दो थारो। परिचय, मेरा नाम विजयपाल सिंह है, गाँव मिला डानी है और पंचायत पुरोहित डानी है। मैं रेवन्यू विलेज झुंझुनू हमारो। तो अभी जो थे ए पेड़ लगाया तो थारे दिमाग में क्या आई, मतलब क्या विचारधारा आई जिसे थे पेड़ लगानो सही समझो? ओ मेरे लड़को अब डोड़ो यो ठेव लागो जहाँ ओ मेलो काम यो कर लागो। पक्ष में एक दिन आके की स्थिति देखी, जरा मन की स्थिति बढ़िया गुण लगी। जब मैं बोलो तू तो कर दे बंद और मेरे पैदल तो गुन गई, मैं गाड़ी लेके जाऊंगा और फिर मैं संभालू। बीके बाद में मैं को हर साल साल में दो बार तो स्प्रे कराऊं घास के लिए, जय भी घास उग गए। अब जय बरसात उग गए गो फिर दूसरी फसल आओगी जना उग गए गो तो वो स्प्रे कराऊं, फिर भी बच गया तो मजदूर लगाऊं इसकी सफाई कराऊं और मेंटेनेंस कराऊं। तो अभी जय पेड़ा के साथ साथ है वो मंदिर भी बना रखो है, ये तो मंदिर को के रहे मंदिर को बुड्डाना में एक वो करणीदास जी महाराज है। अच्छा। तो मैं भी कहकर तो एक बार गयो, जब वो बोले बोले वास जी थे मुक्ति धाम में भूतनाथ को मंदिर बनाओ। अच्छा। तो भूतनाथ है, अब मैं समझू ना ये भूतनाथ कौन हुआ है। फिर मैं जयपुर दवाई लेने जाता ही, अब जयपुर में जो मूर्ति मार्केट हो ना भी मूर्ति मार्केट में गयो, जहा बड़े बान पूछो कारीगरा ने मोरे भूतनाथ हो वो कौन सो है देवता, बोलो जी भूतनाथ तो शिव जी दिखे। हाँ। फिर गूगल पर सर्च करी। अच्छा। जना भूतनाथ बोलो शिव जी और बड़े मुक्ति धाम शमशान में रहे और भूतनाथ शिव जी है। अच्छा। जहा शिव जी की मूर्ति और शिवलिंग रियो नान दियो ए गाड़ी में धर की जयपुर लिया और चबूतरो से बना के रखवा दियो। तो ये कोई की याद में बनाए ही या फिर याद में? मेरे माता पिता की याद में बनाए। अब क्या हो कि अब के मौजू चजो चलायो। अच्छा। जब पहली ओ सिर्फ चबूतरो ही हो तो मेरे दिमाग में यह बात आई कि अपा इस शिव जी की मूर्ति ने अन्य ऊपर कवर करा जना ओ कवर करके और इको पर छत वत सारी बनवाई टाइला जड़वाई और फिर अड़े जो को मटेरियल बच गो वो वापस ले जाने को जना ये गट्टा और ये बनवा दिया। फिर मेरे घर पेंटर लाग्यो जना मैं पेंटर को नू और पेंट वेंट करवा दियो और आ तिरंगो कलर है। मैं जब बढ़ूंदा स्कूल में हो तो मैं स्कूल में जगह जितनी भी बरामद थम्मी थम्मी ही पेड़ है मैं सके करवाए हो तो मन अच्छो लागो। जहाँ मैं पहले तो मेरे घर पेड़ ही घर में मेरे खूब पेड़ ही 30-40 तो कमू कमी तो मैं कहो तिरंगाड़ो कलर करवाए और फिर मैं बोलो भैया अट्ठे भी कर दे 5-7 हज़ार रुपया लागे तो लाग जा जना ऊरे भी करवाए। फिर वो देखो संरक्षण के लिए है वो पेंटर बोलो इक्के भी कर दूंगे वो कर दे यार चौखो कोई अगली जगह जानी हो भी तिरंगे पर शो की जागो भी इक्के भी कर दियो। और पेड़ पौधा अड़े सर्दिया का मां फूलदार वो तैयार करूंगो लगाऊंगो वो दिखे इक्के मां लोन तैयार करी। अच्छा। और लोन ही बढ़िया चरना का एक हाड़ी में फूला लेकिन बाद मैडम बाद मेरी हिम्मत कुंदरी जना बस धूप जलगी और टाइम टाइम पर कोई जो है खूना तो सहयोग करे है लेकिन मेरे जी तो टाइम मतलब बन को नहीं है समझो कोई कौन दे पा रहे हो। तो मोटिवेशन को तो मेरे यही है कि मेरी शुरुआत नियुज की ना भाई इस आवू है कि आप प्रकृति के मां कुछ न कुछ बदलाव लावा। तो जय हमारा चैनल है भी के माध्यम से थे दर्शकन के बताना चाहो हो प्रकृति लेके मत तो यह बताना चाहो कि
अगर एक पेड़ काटो तो 10 लगाओ और ज्यादा ज्यादा हरियाली उसके बड़े प्रयास करो। जय अपने राजस्थान में भी अभियान चालियो भाई माँ के लिए एक पेड़ लगाओ। अबे और स्कूल है एक सारे पिछता रहे प्राइमरी स्कूल हमारे डैनी की, तो मेरी माँ की पुण्यते थे आई जन्म में भी कमा पाड़ पुड़ लगवा के निराई गुड़ाई करवा के और फिर भी मैं पेड़ लगवाया। लेकिन बाकी मैडम न तो बम पानी हो और पशु बाढ़ देता गांव का जब मैं खजा तजा मैं केयर को नहीं हुई। अब इस हाल और जो सोचू कि भी कम आप कमू कम 100 पेड़ लगावा अब का मेरे पर कोई इरादो है। तो दर्शको थे देख सको ये अंकल जो ही ये प्रकृति बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, ये इतना सारा पेड़ लगाए हैं आकी देखभाल कर रहे हैं। तो अंकल अलावा जो और भी अड़े मौजूद ही बस आप बातचीत करेंगे कि बाकी के विचारधारा है बे प्रकृति लेके किता जागरूगी। तो पहले आप बात करेंगे अंकल का जो बेटा है बंस है राम जी राम 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 के नाम है थारो मेरा विकास गाँव कौन सा है गाँव मिलो की डानी। तो ये थारा पिताजी है पिताजी तो ए इतना पेड़ लगाया बिसे थाने के सीख मिली चीज की यही मिली की अपन भी लगाना चाहिए ज्यादा ज्यादा पेड़। थारी के विचारधारा बनी और थारा पापा जो यो इतो बढ़िया काम करे इन लेके बाद में थन के कया को फील होए मन बहुत बढ़िया फील होए और मैं या चाहूंगी पापा करिया बे सगड़ा तो कोनी हो लेकिन कुछ आप आगे पीछे पीछे जो कर्म कर रहे हैं यहाँ निभाता चला हम। तो थे भी पापा देख के आज तक पेड़ लगाए हैं कि हाँ लगाए लगभग कितना पेड़ लगाए 10-12 पेड़ लगाए घर। तो हमारे चैनल के माध्यम से थे के बताना चाहोगा दर्शक बताना चाहूंगा पेड़ जितना लगाओगे इतनी प्रकृति सुरक्षित रहेगी आने वाले टाइम में ग्लोबिंग वार्मिंग है और बहुत प्रकृति को बयां हो रहा है ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाओ। तो दर्शकों जो अंकल का बेटा है वह भी आपके पापा ने देख देख के कुछ सीख रहे हैं वह भी पेड़ लगा रहे हैं और जो लोग इधर मौजूद ही बस आप बातचीत करेंगे कि वह प्रकृति लेके कितना जागरूक है। तो राम राम जी राम राम जी राम थारो के नाम है रामा अवतार नाम है। अच्छा तो जो अंकल जी पेड़ लगा रहे हैं तो आन थे देख रहे हो तो थे भी आया पेड़ लगाया गए मैं भी लगा रखे मेरे घरा है ना कम से कम 100 पेड़ अशोका वगैरह का या जो भी है ना वो मेरे लगभग 1 बीघा की गुआड़ी है तो कम लगभग 100 पेड़ में लगा रखे है। तो ठेके साबुबा की देखभाल करो मैं बराबर बने सुबह शाम जो पानी आवा है काम में रूटीन में वो पानी देते रहूँ बाकी निकराई करूँ और हर के जो गड्ढा उड्ढा बना के और पाइप छोड़ दें जो अगर मैं घर न भी रहूँ तो भी 20-30 भी पानी गलत रहे यानी कि डेली पानी को मैं यूज करूँ। तो जय अब बता रहा है कि बाको तो शुरू से ही लेके प्रकृति लेके बहुत ज्यादा बाका मन में जागरूकता ही तो भैया प्रकृति लेके थे कद जागरूक होया मैं तो विशेष तौर अभी जो ये वातावरण हो रहा है कई हीट वेव को कारण भी है गवर्नमेंट भी मानना है सब लोग अपन भी पता है कई जितनी पेड़ा की कटाई हो रही है बी के कारण ही जितो को तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है बी के कारण उसके तो बिगाड़ हो रहा है तो ये मेंटेन रखने के लिए ये जरूरी है ये चीजा इसकी अभी कहा पीटीआई जी के बोले 1 की जगह 10 लगाओ तो 10 बिना लागन है तो कम से कम एवजी तो लगाओ उसमें तो भी इसकी पूर्ति काफी हद तक होने यूं कहना चाहूँ कि आप चैनल के मार्फत भी है ना और जो को वर्तमान में जो वातावरण बिगड़ रहा है तो गर्म और सारी स्थिति हो रही है बरसात की कमी आ रही है तो थे भी है ना ज्यादा से ज्यादा जटे भी जाओ तो कमो कम ए की बात जरूर करो कई प्रकृति ने बचाने के लिए अपन पौधारोपण कर लाओ इससे अच्छो रस्तो कोई और है को नहीं यही मैं आपको आशा करता हूं। मेरा नाम विनय कुमार है और मैं विजयपाल जी को छोटो लड़को हूं। अच्छा हाँ जी तो थे प्रकृति लेके मर्दस कन के बताना चाहोगा और थे कितना जागरूक हो प्रकृति लेके प्रकृति के प्रति मैं जागरूक मैं सेना से रिटायर्ड हूं। अच्छा। मैं 17 साल आर्मी की नौकरी करके रिटायर हुआ अभी तो पापा जो शुरू से ही के समाज सेवा ये प्रकृति आ चीजें हम लाग रहे हैं तो धीरे 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 आगे सानिध्य हूँ मैं भी ये चीजें सीख रही हूँ कि भाई आप हटे समाज में रह के कई हिसाब हूँ पेड़ पौधा के प्रति के हिसाब हूँ और जहाँ समाज में कोई रीतियां चल रही बन अपन निभानी है हालांकि मन आज जगह सेना में भी मारा सब काम चल रही है पेड़ पौधा लगाना और ही तो बस चीजें मैं धीरे धीरे हम मैं भी यह सोचूँ कि हिसाब हूँ आप काम आगे काम करा प्रकृति जहाँ नष्ट होती दिख रही है लेकिन बी के प्रति जहाँ अब मैं शिक्षण संस्थान में जाऊँ हूँ मैं दोबारा मतलब जॉब करने के लिए तो फिर परिष्कार कोचिंग में जाऊँ झुंझुनू में तो बैठे मैं बच्चा ने भी यही चीज सिखाऊँ हमेशा जहाँ भी टाइम मिला ना 5 मिनट तो मैं खड़े होगी यही चीज बताऊँ कि भाई पेड़ पौधा हमेशा कम से कम 2 पेड़ लगाओ लगाओ ही नहीं बाकी देखभाल भी करो और ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां ना पा एक बढ़िया वातावरण देश का नहीं तो जहां आपकी बारी हो नौतप हो सबकी हालत खराब होगी।
धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ तो जा रहे हो लेकिन वातावरण के प्रति कोई सजग को नहीं हो रही। काम क्या करना, छोटो से घर पेड़ लगा दो, खेत में लगा दो, फिर पानी गाल दो, पांच दिनों गाल दो, रोजिना टाइम नहीं मिला। तो आई मैं संदेश दू हर जगह जठे भी ना कि भाई पेड़ पौधा लगाओ, नहीं आपने प्रकृति नष्ट होती जा रही धीरे धीरे। दर्शकान यही है कि जितो भी जगह आदमी हो, सामर्थ्य बने, जो भी बने भी हिसाब हो जाए। आज सरकार भी इस चीज के प्रति जागरूक हो रही है, नर्सरियां बिल्कुल लो कॉस्ट में अपन पेड़ पौधा दे रहे हैं, तो वह पेड़ पौधा ले आके मन लगाओ, बाकी देखभाल करो और खुद को उसका भी, तो फिर ग्रामीणों को सहयोग लो, फिर पंचायत में भी जाए मान लो सरपंच ही और ही तो वहां को सहयोग, जिते भी सार्वजनिक जगह है या आपके खेत में घर, मतलब जितनी हो उसका आप इस चीज के प्रति जागरूक हो। तो जो ये सब बतायो है कि ये प्रकृति ने लेके इस आबू जागरूक ही इस आबू दर्शकन सचेत करना चाहिए, तो बे यही थारो के कहना है प्रकृति ने लेके प्रकृति खुद करी है, अपन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो बारिश नहीं हो रही है, लोग वेट कर रहे हैं बारिश को नहीं हो रही, क्यों को नहीं हो रही, इको भी रीजन है कि पेड़ कम ही। हमेशा झुंझुनू के 10-15 किलोमीटर में हमेशा औसतन बारिश कम हुआ है। उदयपुर वाटी आप जाओ वहाँ हरी भरी है, पेड़ ज्यादा है तो वहाँ बारिश ज्यादा होगी। अब गर्मी है, इस बार गर्मी इतनी पड़ रही है कि लोग पेड़ों के तले नीचे बैठना पसंद करते हैं, लाइट आती नहीं है, तो अपना प्रकृति एहसास करवाती है। तो इसलिए आदमी को समझ जाना चाहिए प्रकृति क्या कह रही है, इसको डिमांड है, हमें जरूरत है झुंझुनू जिले में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की। और अब लोग दान करते हैं, समाज सेवा करते हैं, हमने किसी प्यासे को पानी पिला दिया, वो उसकी प्यास बुझ गई, कल उसको वापिस प्यास लग जाएगी। हमें ध्यान करना है, परोपकार करना। आप ये पेड़ लगाओ, ये 50 साल ऑक्सीजन देगा, ईंधन देगा, लकड़ियां देंगे, पक्षी इस पे बैठेंगे, तो ये 50 साल के लिए हम किसी की सेवा कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और प्रकृति में लोग रुचि रखो। पीटीआई साहब हमारे पंचायत में ये मिसाल बनाई है इन्होंने, यहाँ पे पहले हम देखते थे कुछ भी, एक भी पेड़ नहीं था यहाँ पे। अगर किसी के हम दाह संस्कार करने आते थे तो लोग एक दो खेजड़ी का पेड़ है, खेजड़ियां भी यहाँ क्या सूख चुकी हैं, तो इधर उधर दूर दूर तक छिपते थे। अभी इन्होंने इसका डेवलप किया है तो ये एक अच्छा उदाहरण गया है और लोगों को इसमें रुचि लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। मैं उनको कहना चाहूंगा कि भाई सबके पास जगह है, अपना घर है या किसी के पास खेत है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ एक ऐसी चीज है, हमें भी ऑक्सीजन दे रही है, ये हजारों आदमियों का पेट पालता है एक पेड़। इस पे पक्षी भी रहते हैं, कीट पतंगे भी रहते हैं, इंसान भी इसके पीछे बैठता है, ये किसी को भोजन देता है, हमें सबसे महत्वपूर्ण जो बॉडी को नीड ऑक्सीजन देता है, तो ये एक जीवन रक्षक है। आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, अगर आप 10 पेड़ लगाए हैं तो आपने परोपकार कर दिया अपनी लाइफ में, फिर आपको जरूरत नहीं है कहीं पे कुछ करने की। तो दोस्तों थे देख सको कि अरे जो पेड़ लगाए ही वह बहुत ही अच्छो काम करियो है कि शमशान भूमि में हरिया भरा पेड़ लगाए ही। अरे आवनिया लोग भी मान लो कोई शमशान भूमि में कोई सब लेके आ रहे हैं तो बाकी सगा आने वाला लोग परेशान न भी खातर जा पेड़ लगाए गई और खूब देख सको हरिया भरा पेड़ है सारा ही। तो पीटीआई जी जो ही वह बहुत ही अच्छो काम करे और आके सागे जो लोग मौजूद ही वह भी बहुत ही अच्छो काम कर रहे हैं, प्रकृति ने हर तरीका बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थे भी कमेंट बॉक्स में बताओ थे कितना पेड़ लगाए ही और कड़े। मेरा नाम बलबीर है, बड़ाई डाणी उतरी से हूँ और मारे 3 डाणियों को सामूहिक संस्थान है। और 17-18 साल पहले जब मैं दाह संस्कार में आया करता बूढ़े बुजुर्ग के, तो अठे कोई छह को नहीं ही भरूट गोखरू आंसे परेशान बैठने जगह को मिला करती। यह बाउंड्री होने के बाद में ये पीटीआई जी रिटायर होगा, ये बहुत ही बढ़िया इन्हें सुधार करे है और मैं तो यह कहूँगा कि पीटीआई जी ने बहुत बहुत धन्यवाद जो जनसेवा करी है, क्योंकि एक माँ तो सब लोग आवे हैं, डाण्या का ही को नहीं आवे, बाका मौत हो जाए बाका रिश्तेदार और वगैरह बहुत सारा लोग आवे हैं, तो वन बैठने जगह भी मिल रहे है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। और अन्न देख के यहाँ जब एक माँ गार्डनिंग वगैरह पेड़ पौधा लगाना शुरू कराया बन देख के और भी लोग प्रोत्साहित होया, कोई कुछ लोग शमशान पर टिन सेट बनायो, कोई छाया किले बनायो, मतलब भी आप आपको मतलब ऐसे प्रोत्साहित होके कुछ न कुछ लोग कर रहे हैं। तो जय पीटीआई जी इतना पेड़ लगाए हैं इस शमशान भूमि ने पूरी हरी भरी कर दी है, तो भी स्थान की सीख मिली है? मान तो सीख है मिली है कि अच्छा काम कर रहे हैं, माने भी आकर नक्शा कदम पर चलना चाहिए। और थे प्रकृति ने लेके क्या कहना चाहोगा? पीटीआई जी ने तार चैनल के माध्यम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि वो पंचायत में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और पीटीआई जी कौन कर रहे हैं, वे तो यहाँ समझ लिया कि बुजुर्ग आदमी रिटायर होगा टाइम पास करना है, वे को यहाँ का टब रहे ना, वे भी चीज में रुचि ले रहे हैं, ये कोई बीमार शीमार रहे है, नहीं आन पावे, कोई पानी पात देने और है, कोई साफ सफाई के लिए, तो टाबर भी यहाँ का अनुपूर कोऑपरेट करे, तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और मैं तो बार बार आना धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये
तीन ढाणिया का ही कोने दाग में दाह संस्कार में सब ढाणिया पंचायत का आवे, मारा रिश्तेदार आवे, सब देखे है, बैठे है, छाया मिले है, बढ़िया काम है। राम राम जी। राम राम जी। के नाम है थारो? संदीप नाम है। गांव पेड़ा ही डाणी। थे के करया करो? मेंटेनड हाउस को काम। तो जय पीटीआई जी बतायो कि थारो बहुत ज्यादा सहयोग है उरे पेड़ जो लगाया ही, तो बिक अंदर थे दर्शकन बताओ थारो के हिसाब से सहयोग है? देखो मार तो बहुत बड़ी खुशी है कि जो 15-20 साल पहले अड़े जो दिक्कत थी कि छाया नहीं थी, बिक बाद में पानी की सुविधा नहीं थी, और आज देखो जो व्यवस्था देखा ना तो अ की स्थिति आज भी कई गाँव का अंदर मिल जाएगी, पर अठे मान बहुत बड़ी खुशी है कि भाई मार्केट की व्यवस्था बहुत अच्छी है, आनियो जानियो रिश्तेदार सब एकदम संतुष्ट है कि थारगन जो व्यवस्था है कि आस पास है ही नहीं। देखो मान तो एक ही है कि भी आम आदमी ने यह चीज देखनी चाहिए कि प्रगति पर आप ध्यान दें और आगे के लिए मतलब पेड़ को भी ध्यान दें, लगाना से ही मतलब कुनियो है भी की खेचली भी लेके चला, और दिन प्रतिदिन जो आज ये दिक्कत आ रही है तो आगे की यह समस्या खत्म हुआ है, आम आदमी इस चीज में सतर्क हुआ है। तो जय पीटीआई जी बतायो थे बहुत ज्यादा सहयोग करे भैया, थे हमारे चैनल का माध्यम से सब ज्यादा धन्यवाद किन देना चाहोगा? अजी पीटीआई जी नहीं देखो मैं तो धन्यवाद मानू की भैया आज भी मतलब ये चीज के ऊपर भूमि पर खड़े ही शुरू से लेके लास्ट तक, और इनका जो दोनों लड़के हैं तो ये भी बराबर है मतलब देख रेख कर रहा है पेड़ की, और देखो लगानो आसान है पर बिकी जो देख रेख है वह बहुत है भी। इसको ते देख सको की पीटीआई जी अड़े जो पेड़ लगाए शमशान भूमि पूरी हरी भरी कर दी है, और बहुत ही अच्छी एक सीख देखना अपन मिल रही है कि अड़े पेड़ लगाएं तो अपन भी कम से कम पेड़ लगाना चाहिए और बाकी देख रेख करनी चाहिए, पेड़ लगा के कौन छोड़ना बाकी देख रेख भी करनी है। तो इस आबू थे भी कमेंट बॉक्स में बताओ थारी के राय है और थे प्रकृति लेके थाने हमारे चैनल का माध्यम से के सीख मिली है, थे हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो।